नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में रोजाना कोरोना संदिग्ध मरीजों की बड़ी संख्या पहुंच रही है एमजीएम अस्पताल। इसे देखते हुए शहर में जिला प्रशासन की ओर से 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन की गई शुरुआत। ये वैन संदिग्धों के पास पहुंचकर करेगी जांच। सरायकेला खरसवा एसपी मोहम्मद अरसी ने शुरू किया अपना अभियान। 100 नंबर डायल कर पुलिस से सहायता मांगने वालों को दवाइयां पहुंचाकर की अभियान की शुरुआत। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के एक शहर से दूसरे शहर जाने का सिलसिला है जारी। ओडिशा से गिरिडीह जाने के लिए निकले 27 मजदूरों को तिरिंग के पास रोका मजिस्ट्रेट ने, रखा गया क्वारंटाइन सेंटर में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में रोजाना कोरोना संदिग्ध मरीज बड़ी संख्या में एमजीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए शहर में जिला प्रशासन की ओर से 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। ये जांच वाहन संदिग्धों के पास पहुंचकर वहीं जांच करेगी। कोरोना संदिग्ध की शिकायत मिलते ही इस मोबाइल वैन के जरिए उन बस्ती और उनके घरों तक ये मोबाइल वैन जाकर उनका जांच करेगी। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस वैन के द्वारा घर घर जाकर वैसे लोग जिन्हें बुखार, सर्दी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। शनिवार को जिला सर्विलांस कार्यालय से इन सभी वैनों को रवाना किया गया। होता है कि एक्सीडेंटली कभी पीपी जो कंटेमिनेट हो जाती है, जिससे क्या होता है एक्सीडेंटली जो हमारे एक्सपोजर लैब टेक्नीशियन एक्सपोज होने का चांस होता है, तो उसी को देखते हुए इसको बनाया गया इस मशीन को, ताकि इसमें लैब टेक्नीशियन पीछे की तरफ खड़ा रहता है और वो आराम से सैंपल कलेक्ट कर लेता है कि सैंपल करेंगे थ्रोट से सॉब और नेजोफेरिंजियल सॉब लिया जाता है। तो उसमें पीपी अगर नहीं भी है वो, तो उसमें वो पूरी तरह से सेफ रहता है। तो खासतौर जो हमारे टेक्नीशियंस जो इसको यूज़ करते हैं उनको पूरी तरह से सेफ्टी देने के पर्पज से इसको बनाया गया है। दूसरे होता है कि जगह जगह अंदर कोने में बहुत किनारे में जाने के लिए, जहाँ से क्या हो कि हमारे किसी संदिग्ध को लाना होता है तो उसमें हमें ये एम्बुलेंस वगैरह का बहुत यूज़ करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ जाता है, तो उन सब चीज़ बच्चे से ये सेफ है और इसको कलेक्ट किया जा सकता है। और एक ही अगर एक ही पीपी पहनेगा तो कई लोगों के आराम से जो सैंपलिंग कर सकता है इसके। सरायकेला खरसवा एसपी मोहम्मद अरसी ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। 100 नंबर डायल कर पुलिस से सहायता मांगने वाले 4 जरूरतमंदों को बाइक से उनके घर दवाइयां पहुंचाकर इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। वैसे वैश्विक संकट के दौर में इससे लड़ना ही सबसे बड़ा अभियान है। केंद्र और झारखंड सरकार के प्रयासों से हर दिन कोरोना वॉरियर्स नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिले के एसपी गमरिया और आदितपुर से डायल 100 के माध्यम से दवा मांगे जाने की सूचना पर यहां पहुंचे और दोनों पीड़ितों को दवा उपलब्ध कराया। लॉकडाउन में घर से बाहर आने में कठिनाइयों को देखते हुए पुलिस जरूरत की दवाई घरों तक पहुंचा रही है। पुलिस दवा के साथ बिल देकर दवा के लिए पैसे लेगी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को या अपंग, असहाय, कोई भी ऐसा आदमी जो घर से बाहर नहीं निकल पाता है, उसको दवाओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है, तो उसको हमने डायल 100 से क्लब कर दिया है। आप डायल 100 पे फ़ोन कीजिए और अपने घर का पता और दवाओं की ज़रूरत बताते हुए आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो पुलिस आपको घर पे दवा की डिलीवरी देगा और डिलीवरी देने के साथ आपको बिल देगी और आपसे पैसे लेगी, और इस तरह से कम आपको जो बेसिक आपकी दवा की ज़रूरत है वो पुलिस पूरी करेगी। तो पूरे राज्य में इस स्कीम को चलाया जा रहा था, आप लोगों की मदद से और हमारा जागृति वाहन और सोशल मीडिया की मदद से झारखंड पुलिस और स्पेशली सरायकेला पुलिस इसका प्रचार प्रसार कर रही थी। आज जब 4 कॉल एक साथ आई, एक गमरिया में और 3 आदित्यपुर में कॉल आई, तो मैंने खुद आके SDPO साहब के साथ, हमारे CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों ने जा के लोगों को घर पे दवा का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथों से किया, ताकि एक पुलिस महकमे में एक अवेयरनेस हो इसको लेके कि इसको कितना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना है। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था, हमको लगता है कि आज कॉल आई है फिर मैं सरायकेला से निकला हूँ और 1 घंटे के अंदर कॉल आने की हमने हर जगह दवाओं को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लॉकडाउन में आप लोगों को बाहर आने, अब बीमार आदमी बाहर कैसे आएगा, स्वस्थ आदमी भी बाहर आ रहा है तो उसको बहुत सारी
बाधाओं को पार करके आना पड़ रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रेरित कर रही है कि लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। इस लॉकडाउन में मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि ओडिशा से 27 मजदूर अपने साइकिल से झारखंड के गिरिडीह के लिए निकल पड़े थे कि सभी मजदूरों को साइकिल सहित तिरिंग के पास झारखंड सीमा पर रोक दिया गया। सभी को खाना खिलाकर रात होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। ओडिशा से 27 मजदूर साइकिल से झारखंड आ रहे थे, लेकिन झारखंड ओडिशा सीमा पर ही इन मजदूरों को प्रशासन ने रोक लिया। वैसे इन सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए इनकी स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद बारी बारी से स्वास्थ्य जांच करते हुए नजदीक के क्वारंटाइन हाउस में सारे मजदूरों को लाया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुरू होते ही मजदूरों का दूसरे राज्यों से पलायन शुरू हो चुका है। ओडिशा से 27 मजदूर साइकिल से ही गिरिडीह के लिए निकले थे कि इसी बीच झारखंड ओडिशा बॉर्डर चेकनाका पर सभी मजदूरों को पकड़ा गया, जिनके बाद स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य जांच किए जाने के बाद सभी को भोजन आदि की व्यवस्था के साथ ठहराया गया। बॉर्डर पर तैनात मजिस्ट्रेट अभिषेक नंदन ने सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अलग अलग ठहराने एवं भोजन आदि कराने की व्यवस्थाएं की। आज करीब संध्या 7 से 8 बजे के बीच में ये हम लोग देखे थे कि झारखंड राज्य से करीब 28 मजदूर तिरिंग गेट पर, ये उड़ीसा राज्य से करीब 28 मजदूर तिरिंग गेट पर, जो कि है सो एक अंतर्राज्यीय बॉर्डर है जो झारखंड और उड़ीसा को ऐसो जोड़ता है, वहाँ पर 28 मजदूर आए थे। तो फिर इसकी सूचना हम लोग ऐसो अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को दे दिए, तो फिर वहाँ से आदेश आया कि इन लोगों को है सो यहाँ रसुन चौपा पंचायत में है सो ठहरने का व्यवस्था कर दिया गया, ठहरने और खाने का। तो ये आदेश को पालन करते हुए हम लोग अभी है सो इन लोगों क्या है सो स्वास्थ्य का जांच कर रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों को रसुन चौपा पंचायत भेज दिया जाएगा। जमशेदपुर में डोमिनोज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन की धमकियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। कंपनी प्रबंधन इनसे रोजगार को छीनने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। जमशेदपुर शहर में डोमिनोज के 5 काउंटर है और इन सभी के कर्मचारियों ने रोजगार छीनने का प्रयास कंपनी प्रबंधन कर रही है। कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी। इन कर्मचारियों के अनुसार ये कर्मचारी पिछले 5 से लेकर 8 वर्षों से कंपनी और ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं, और अब कंपनी इनसे कह रही है कि इन्हें फुल टाइम ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इसके लिए कंपनी ने इन्हें एक दस्तावेज भी दिया है, जिस पर कंपनी ने सभी कर्मचारियों को हस्ताक्षर करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। इस समस्या से निजात दिलाने और इनके साथ न्याय करने की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। डोमिनोज में काम करते हैं, लास्ट 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बट कोविड-19 में एम्प्लॉय कंपनी हमारे से इतना बुरा बिहेव कर रही है। इस पेपर में जबरदस्ती हम लोग साइन करवा रही कि आप लोग 4 घंटे सिर्फ काम करोगे, उससे ज्यादा नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज हम लोग के साथ ना किया जाए। 1 महीने हो गए, अभी तक हम लोग को कोई सैलरी नहीं मिली है। इसमें लिखा गया है कि टू द स्टोर मैनेजर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं फुल टाइम में 8 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे 4 घंटा ड्यूटी करवाइए। बट ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। कंपनी बोल रहा है अगर डोमिनोज में डोमिनोज किसी की वजह से रुक नहीं पाएगी, तो बोल रही है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम किसी और को ले लेंगे। हम लोग बोल रहा है कि आप हम लोग से वो इम्प्लॉयमेंट छीना जा रहा है। अच्छा, तो आपको बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल में काम कीजिए आप, वरना अदरवाइज आप अगर साइन नहीं करेंगे तो फिर आप जा सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय है, ठीक है अभी, बट हम लोग का ये बोला जा रहा है कि आप लोग साइन नहीं करेंगे तो डिप्टी कितने 5 डोमिनोज है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट ही रहने देते। जमशेदपुर में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर राजपूत करणी सेना एवं झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया गया। गौरतलब हो कि महाराजा महाराणा प्रताप ने अपने समय में गुलामी स्वीकार नहीं की थी और मुगलों से युद्ध किया था। वर्षों तक जंगलों में रहकर और घास की रोटी खाकर मुगलों से उन्होंने युद्ध किया था। उनकी जयंती पर देश भर में क्षत्रिय समाज उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करती है।
जमशेदपुर के साक्ची स्थित महाराणा प्रताप चौक पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर सभी ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह तथा आजसू के वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह ने पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने प्रण लिया। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं कि भरोसेमंद संकल्प के प्रतीक हैं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर जिस तरह से भगवान राम ने स्थानीय लोगों के साथ युद्ध किया, वैसे ही उन्होंने भीलों को लेकर संघर्ष किया और कभी भी अपना पताका झुकते नहीं किया। ऐसी है अपने हृदय में आत्मसात करते हैं झुकेंगे और झुकेंगे नहीं राष्ट्र के लिए। हमारा राष्ट्र हमेशा ही गुलामी के नजरिए से बाहर रहेगा। उस समय के अगल बगल के राजाओं ने फिर इसका साथ दिया होगा। स्वाभिमान दिवस कहा जाए और झारखंड क्षत्रिय संघ विगत 5 साल से लगातार मनाते आई है। पहले इस जगह का नाम हम लोगों ने महाराणा प्रताप चौक रखा और शहर के विभिन्न कोनों से विशाल जुलूस लेकर आके यहाँ पर ही हम लोग माल्यार्पण करते थे। 2 साल पहले जो है हम लोग ये विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित की और झारखंड का कोल्हान का पहला स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का भव्य मूर्ति स्थापित किया। सोनारी निवासी शिव प्रसाद सिंह जो वर्तमान में मुंबई निवासी हैं, वे कोरोना काल के संकट को देखते हुए पीएम राहत कोष में 1 लाख रुपए का अनुदान दिया है। साथ ही समाज सेवा के काम में भी शिव प्रसाद सिंह आगे रहते हैं। मुंबई में प्रतिष्ठित व्यवसायी सोनारी निवासी शिव प्रकाश सिंह समाज सेवा में भी अव्वल रहने वालों में से एक हैं। अपने संस्थान में काम करने वालों को भी वे कोरोना काल में पूरा वेतन दे रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस को उन्होंने 50,000 का राशन किट भी वितरण किया है। उनके साथ सोनारी निवासी टीएन सिंह का भी सहयोग रहा है। कोरोना संकट में पीएम राहत कोष में उन्होंने 1 लाख का अनुदान दिया है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर में मंदिर कमेटी के सदस्य सह कांग्रेस के कोल्हान प्रवक्ता राकेश तिवारी के द्वारा मंदिर के पुजारियों के बीच राशन का वितरण किया गया। पर तलब हो कि इन पुजारियों की जीविका मंदिर से ही चलती है और वर्तमान समय में मंदिर में लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं का आवागमन प्रतिबंधित है। ऐसे में इन पुजारियों के समक्ष रोजी की समस्या आन पड़ी है। इसको देखते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य सह कांग्रेस के कोल्हान प्रवक्ता राकेश तिवारी के द्वारा सभी पुजारियों के बीच 1 माह के राशन का वितरण किया गया। इसमें सोनारी इलाके के कई मंदिरों के पुजारियों को भी राशन दिया गया। लगभग 30 पुजारियों को यहाँ राशन प्रदान किया गया। महामारी चली है, इसमें सारे धर्म स्थलों पूजा स्थलों के बंद होने के कारण हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं तो पूजा पाठ जिनकी वृत्ति है, जिनका उसी से जीविकोपार्जन चलता है, आज उनके सामने जो है बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। और चूंकि इस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूं और एक संस्था भी हमारी चलती है उससे भी इनका जुड़ाव है, तो हमने आज ये अभियान तो हमारा विगत 1.5 महीने से चल रहा है सुदूरवर्ती गांवों से लेकर के शहरों के कस्बों के इलाकों में, लेकिन आज हमने इन ब्राह्मण पंडितों को 1 महीने का राशन वितरित कर दिया ताकि इस संक्रमण काल में जो हमारा उद्देश्य है कि कोई भी गरीब जरूरतमंद लोग इसमें भूखा न रहें। झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के समाज सेवियों द्वारा लगातार गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। वहीं इस शहर में गुप्त दान देने वालों की भी कमी नहीं है। उधर शहर के युवा समाज सेवी अनिल चौधरी ने भी गरीबों तक भोजन पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है।
जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार गरीबों की सेवा वे करते आ रहे हैं। हालांकि वैसे क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं जहां तक न तो प्रशासन पहुंच रही है और न ही अन्य सामाजिक संस्थाएं। लेकिन अनिल चौधरी का समाज सेवा ऐसा कि कोई भूखा ना सोए, इसी प्रण के साथ सुबह से लेकर रात तक समाज सेवा में वे लगे रहते हैं। वहीं सोनारी में आज असहाय और गरीबों के बीच भोजन सामग्री और राशन का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी जी हैं और आदरणीय मेघवाल जी हैं, स्टेट मंत्री, दोनों से हम बात किए। उन लोग की उम्र से आदेश था कि संसद से बात करिए, तो हम लोगों ने, पड़ोसी मेरा राज्य है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उसमें राज्य सरकार बात करेगी कि वहाँ काम करने भी लोग भी गया, ट्रीटमेंट में भी गया, एजुकेशन के लिए, तो उन लोग को भी बुलाने का जरूरत है, लाने की जरूरत है, जो लोग स्वास्थ्य से अच्छा है, क्योंकि परिवार से दूर रहता तो लोग में डर समाया हुआ रहता है और लोग खाने पीने का भी लोग दिक्कत हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज दंगल सरकार भी आने जाने के लिए थोड़ा सा छूट मिला है, उड़ीसा से भी बातचीत चल रहा और विभिन्न प्रदेश जैसे साउथ में हो। कोरोना काल में लॉकडाउन के दरमियान गरीबों की स्थिति दयनीय है, पर शहर में कई सामाजिक संस्थानों द्वारा नियमित रूप से गरीबों की सेवा की जा रही है। एबीवीपी और एसबी फाउंडेशन एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 40 दिनों से गरीबों की सेवा की जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट व सिंडिकेट सदस्य अमिताभ सेनापति के नेतृत्व में एबीवीपी एवं जीआईआईटी प्रोफेशनल कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों की टीम द्वारा लगातार कोरोना काल में गरीबों तक जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोनारी स्थित बाबा तिलका मांझी बस्ती दो मुहानी के दिहाड़ी मजदूर व जरूरतमंदों तक सहायता पहुँचाई जा रही है। वहीं सैकड़ों आदिवासी गरीब परिवार को चिन्हित कर उन तक भोजन देने का काम इनके द्वारा जारी है। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एबीवीपी, आरएसबी फाउंडेशन एवं जीआईटी प्रोफेशनल कॉलेज के एनएसएस के संयुक्त बंधुओं के साथ जमशेदपुर के सोनारी स्थित जो विभिन्न स्लम एरियाज हैं, खासकर जनजाति बहुल बाबा तिलका मांझी बस्तियों में, हम लोग वहां जाकर वहां के जरूरतमंदों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों, दिव्यांगों को चिन्हित करते हुए जिनका ना राशन कार्ड है, ना लाल कार्ड है, ना किसी भी सरकारी योजना का उनका लाभ मिलता हो, प्रत्येक दिन उनके हाथों को हैंड सैनिटाइजर देके सैनिटाइज करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आरएसबी फाउंडेशन की तरफ से सौजन से हम लोग सैकड़ों पैकेट भोजन, पानी का बोतल एवं डेटॉल और लाइफबॉय साबुन हम लोग वितरित कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।